to see somebody, not them, somebody to come so that, you know, I can see that I'm on the right path. Yeah. Saas le, tu baith ja. Agar bheere kapde to mat baith, nikal de. Hi, I'm almost dead, but I'm still alive. Congratulations to me and all of us. Yeah, congratulations. Yeah. Congratulations. Congratulations. Congratulations तो हो गया registration करा दो यार. Congratulations. करा दिया क्या? Congratulations. कोई नहीं हुआ. Guys जिसके पैर से बल्कि okay, bro. Congratulations. All right, so हाँ सब क्या लगे चक्कर में कि हमने sunrise miss तो नहीं कर दिया है वही में नंगे पैर ही भागा भागा निकल रहा हूँ. Oh my god मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा sunrise हो चुका है. सुबह सुबह ठंड में सांस बहुत हाफ गई है. ऑलराइट सो गाइस हमने सनराइज मिस कर दिया है क्योंकि एक्चुअली एग्जैक्ट करेक्ट टाइमिंग थी 6 बजे. मुझे लगा 6 बजे इज लाइक उठने की टाइमिंग. दोस्त मेरे बड़े आलसी हैं भाई साहब, बट ठीक है इट इज़ फाइन. भैया बता रहे थे हमारे फोटोग्राफर भैया कि उन्होंने सनराइज एक्सपीरियंस किया था और उन्होंने देखा कि कलर कैसे चेंज हो रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ तब तक हम क्या नाम मंदिर का थोड़ा सा हम सुबह सुबह उठ गए तो मंदिर को देख लेते हैं क्योंकि रात में तो काफ़ी मेसमराइजिंग ज़्यादा मंदिर लग रहा था. एंड अभी भी इट्स वेरी नाइस, तो इसका मंदिर का ही मुआयना करते हैं. अभी अपरेंटली वी मिस द आरती एंड द सनराइज विच इज़ अ बमर. बट आज अपन रुकने वाले ऐसे बट आई डोंट नो कुछ बहाना है शायद कि यूनिवर्स चाहती है कि मैं दोबारा इधर आऊँ और फिर से दोनों चीज़ एक्सपीरियंस करूँ. आरती और सनराइज कल आरती यार अगर मैं नहीं होता ना आरती टाइम पर पहुँच जाता. चलिए कोई नहीं अपने को ना लिखा हुआ है तेज भागा वहाँ से नीचे से ऊपर बस आरती देखने के लिए. And लोगों को ऐसा छोड़ा 2-2 घंटे बिना आरती. देखो ये सब कुछ ना लिखा हुआ है तो हमारा भी इधर आना लिखा हुआ था लेकिन आके मिस करना शायद थोड़ा बहुत लिखा होगा या तो आलस से लिखा हुआ था हमारे वो पत्थर कौन सा है लेकिन लेकिन मुझे लगता है हमारा दोबारा आना लिखा है तो हम दोबारा आएंगे आप लोगों के साथ आएंगे. आरती भी होगी अगली बार सॉरी एंड सनराइज भी होगा. सो ऑलराइट दोस्तों अभी अपन मतलब रूम से बाहर निकल गए हैं अपने एंड कुछ बात चल रही है कि हो सकता है हम एक और दिन नहीं ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में हाँ हम एक और दिन केदारनाथ रुक जाएं बिकॉज यार आरती भी मिस हुई थी हमारी एंड सनसेट भी सनराइज भी मिस हो गया था तो अब एक और दिन रुक जाते क्योंकि आना भी इतना कुछ ऐसा तो है नहीं कि चलो अगले संडे आ जाएंगे तो एक दिन हो सकता है हम इधर और स्पेंड कर दें. एंड अभी फ़िलहाल हम कौन सा गौरीकुंड ट्रैक कौन सा करें गांधी सरोवर में जाएंगे. 3-4 ज़्यादा चाहिए 4 किलोमीटर वैसे तो पहाड़ों में तो लंबा ही लगता है. एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग यार बहुत मेन चीज़ है आरुषि की स्किन जो है काफ़ी ग्लो कर रही है. आरुषि कैसे क्या है क्या है सीक्रेट क्या है आपका. ये है आपका केदारनाथ का कोल्ड माउंटेन वाटर फिल्ड विद मिनरल्स क्लीन राइट इट इज सो पॉलिश्ड. मतलब हम लोग कल 1000 रुपये कमरे में रहे इतना वाहियात इतना घोड़े नो ऑफेंस बट ये बहुत अच्छा है आई लव दिस.
हालांकि बस मैं दीवार की तरफ मुंह करने के बजाय इधर मुंह कर सोचूंगा। हां फोटो फ्रेम का ऑप्शन भी है। हां फोटो फ्रेम का भी हमें अपने पीछे खींच के आना होगा। नहीं दे आर डूइंग अ फोटो सेशन विदाउट मी, हाउ कैन दे। मैंने वीडियो में नहीं लूंगा व्हाट भाई। ऑलराइट द ट्रैक ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है एंड सबसे आगे अपने तन्मय भाई लीड कर रहे हैं। मैं सबसे पीछे चलना प्रेफर करता हूँ क्योंकि यार पीछे भी ना कोई हो, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। यस यहाँ पे ऐसी सीट्स भी बनी हुई हैं कि इफ यू डोंट वांट टू डू द ट्रैक एंजॉय द व्यू। व्यू यो दिस इज आल्सो शी इज आल्सो ओके। तो चिन्मय भाई कह रहे हैं कि यहाँ ट्रेल बहुत रिस्की है, जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा। मैं जा सकता हूँ फिर तो मैं भी जा सकता हूँ फिर तो ये भी जा सकती है, वो भाई भी चले जाएगा। देखो हम आ जाएंगे डंडा लेके नाप रहे हैं, डंडा लेके नापा जा रहा है पानी का लेवल, देख रहे हैं आप। तो फिर वो अभी लग ये रहा है कि ऐसे कुछ हो नहीं रहा है नहाने वैसे ही, तो ये लोग जल्दी निकले वहाँ पर आप पढ़ा देंगे अब हो गए इनके काम। एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन साथ है और कौन साथ है एक्सप्लोर करने के लिए? एक्सप्लोर अपने बैग में से वो निकाल पहाड़ ऊपर, अपने बैग में से निकाल। एक्सप्लोर अपने बैग में से निकाल। एक्सप्लोर भूख लगी है। ओके भूख लगी है खाना दो। एक्सप्लोर एक्शन ट्रैवलिंग ये काटना पड़ेगा यार, यूट्यूब बंद कर देगा मेरा चैनल वरना। वैसे यार हम ट्रैक आगे कर सकते हैं, मुझे लगता है जितना कर सकते हैं उतना तो कर लेते हैं जहाँ पे लेगा। हाँ बट आई डोंट नो मुझे क्यों लगता है हम वहाँ एकदम पॉइंट एंड तक जा सकते हैं। चले चलते हैं चल फटाफट चलते हैं। Thank you.
उनकी वजह से शायद आपको ना दिख पा रहा हो। ग्रेट, और जितना हम मुझे लगता है आगे जाएंगे उतना और बढ़िया रहता है। हमने अपने बाकी दोनों तीनों एक्सप्लोरर्स को भी बुला लिया है बिकॉज आई गेस इट इज़ वर्थ इट। तो जैसे हमने एंटर किया था इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग हमने जो केदारनाथ में देखी थी। ऑफकोर्स अरेवल के बाद धुंध की वजह से शायद इतना नहीं दिख पा रहा हूँ, बट हाँ यार दिस रोड इज़ नॉट टेकन आई गेस। बहुत लोग शायद नहीं आए इस रील में एंड मुझे नहीं लगता अपन भी आ पाते, पर हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी इधर कुछ अच्छा है एंड जैसे ही अपन आए हमने कहा बाकियों को भी ये देखना चाहिए भाई। अब आई डोंट थिंक सो कि बाकी यहाँ आ पाएंगे। ऑल दो धीरे धीरे धुंध क्लियर हो रही है बट थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है ज़रूर है, थोड़ा सा ऑफ रोड भी किया लेकिन यहाँ पे आना बनता है। जो आर्मी बेस कैंप वाला जो है आपका पगडंडी उस पाथ को पकड़ो एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल मैन। क्या आर्मी बेस कैंप मतलब मुझे नहीं पता है कि नहीं है लेकिन लोगों ने बोला कि है। सो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो केदारनाथ मंदिर पहला वो है, दूसरा ये जगह है। आई नो मुझे यहाँ के बहुत खुशी हो गया है। ऑलराइट तो दो जाबाज लोग और आ चुके हैं, अनिता था जैसे तैसे करके बहुत कोस कोस के आई है, अरुषि चुपचाप आ गई है। हाँ ये उस पर्वत पे चढ़ गई थी, आपको दिख भी नहीं रहा होगा धुंध के कारण। यहाँ धुंध साफ हो रही है यहाँ पे और अच्छा दिख रहा है।